गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में शनिवार को 296 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। मरने वालों में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1 82 वर्षीय बुजुर्ग और 60 वर्षीय बुजुर्ग एक महिला शामिल है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,690 हो गई है। इनमें से 90,444 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 3,088 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 174 नए मरीज मिले हैं। इनमें गोरखनाथ थाना क्षेत्र में शनिवार को सबसे अधिक 47 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कैंट में 44, कोतवाली में 22, तिवारीपुर में 1, रामगढ़ताल में 20, गुलरिया में 5, चिलवाताल में 2, राजघाट में 11, शाहपुर में 34 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भटहट में 1, चरगावा में 26, गगहा में 4, खोराबार में 9, पाली में 2, पिपराइच में 7, पिपरौली में 4, सहजनवा में 5, सरदारनगर में 8, जंगल कौड़िया में 2, बढ़लगंज में 4, चरगावा में 26, उरवा में 2, बेलघाट में 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 41 नए और मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है।